दोस्तों, हमने बहुत कुछ इस चैनल पर दिखाया है, लेकिन आज हम बिल्कुल ही अलग किस्म का दिखाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, एक मैंने कहीं पढ़ा था, ये कहा जाता है कि आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है, आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। तो ये जो आज हम आपको दिखा रहे हैं वो एक इरादे की बात है। एक मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट आया, उसका इरादा था कि मैं अपने शहर के लिए कुछ करके जाऊँ, और उसने उस इरादे को, उस सोच को एक प्रैक्टिकल रूप दिया, और उस पर वो प्रैक्टिकल रूप के हम सामने खड़े हैं आज। उसकी सोच और उसकी मेहनत का सदका यहाँ देखिए, हमारे कैमरामैन साहब को दिखा रहे होंगे, एक पटियाला में आलीशान हॉस्पिटल बना हुआ है जिसका नाम अमर हॉस्पिटल है। ये पुरानी बिल्डिंग हम दिखा रहे हैं आपको, ये दिखाइए सैमी साहब, ये पुरानी बिल्डिंग है, जब 97 में ये शुरू किया इन्होंने, 97 में शुरुआत की थी जीवन ज्योत ने। हमारे से जूनियर थे वो, हमारे अच्छे दोस्तों में से थे, तब 97 में यहाँ से शुरुआत हुई थी। तब ये 60 बेड हॉस्पिटल हुआ करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको ज़रूरत ज़्यादा लगी, मकबूल हो गया, लोगों में अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने लगा, फिर ये नई बिल्डिंग जिसके बाहर हम खड़े हैं, हम यहाँ आ गए हैं, तो नई बिल्डिंग यहाँ इन्होंने शुरू की है। और पर ये पुरानी बिल्डिंग में मरीज़ आज भी एडमिट किए जाते हैं। तो ये बहुत शानदार बिल्डिंग है, बहुत शानदार हॉस्पिटल है। मैं एक बात अपने सामीन से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम किसी को प्रमोट करने नहीं आए, वी आर नॉट हेयर टू प्रमोट एनीबडी, हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे, हम सिर्फ पटियाले के लोगों को और पंजाब के लोगों को ये बता रहे हैं कि क्या यहाँ अच्छा है, क्या यहाँ फैसिलिटीज़ है, और आप लोगों के ऊपर है कि आप उस फैसिलिटीज़ को अवेल करना चाहें या ना करना चाहें। हम टोटल कोशिश करेंगे कि जो अच्छी से अच्छी चीज़ें हैं हमारे कुछ प्राइवेट सेक्टर की, मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की, वो आवाम तक पहुँचाएँ। इसी नज़रिए से हम आज हाज़िर खिदमत हैं। तो अभी हमने बाहर से आपको बताया, अब हम अंदर चल के देखते हैं यहाँ क्या कुछ होता है, कितना रश है, क्या कुछ मरीजों की संख्या है। आइए, आओ जी। अब हम आपको वो डॉक्टर साहिबान के नाम बता रहे हैं, जैसे डॉक्टर हरमिंदर सिंह हैं, अरुण है, अरविंद है, विवेक हैं, ये सब डॉक्टर ग्रोवर हैं, डॉक्टर नागपाल हैं, ये हम सब ये नाम दिखा रहे हैं कि जो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, जो यहाँ काम करते हैं, उनका तजर्बा भी आपको वहाँ नज़र आ रहा होगा भी कितने सालों से यहाँ हैं। बहुत डॉक्टर हरमिंदर का बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान, सारे पंजाब में नहीं हिंदुस्तान में। अरविंद बहुत बड़ा यूरोलॉजिस्ट हैं वो, डीपी सिंह इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट सर्जन, केपी इज़ ऑल्सो गुड सर्जन, विवेक सिंगला इज़ देयर। तो ये बहुत तजर्बेकार यहाँ डॉक्टर काम करते हैं। तो ये हम ये दिखाना चाह रहे हैं कौन कौन से डॉक्टर यहाँ हैं। ये देखिए, ये जो हम जिनको जिनके बारे में मैंने बाहर की बात, डॉक्टर हरमिंदर सिंह हैं। मेरे ख्याल में पंजाब में कोई ऐसा नहीं है जो डॉक्टर हरमिंदर सिंह के नाम से वाकिफ ना हो। एक हमारे दो हम रिश्ते में रिलेटिव लगते हैं, डॉक्टर अविनाश गोयल, वो डॉक्टर साहब के क्लास फेलो हैं, वो ये क्या करते हैं इनके बारे में, ही इज़ किंग ऑफ न्यूरो फिजिशियन, ही इज़ किंग। तो हम सलाम भी करते हैं सर आपको, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब हम जिनको आपको दिखा रहे हैं वो मशहूर ऑर्थोपीडिशियन डॉक्टर नागपाल साहब हैं, कहते हैं कि हाथों में जादू है। जो इतनी भीड़ भाड़ लगी हुई है वो मेरी बात को वो उसे इत्तेफाक करती है, तभी शायद इतना रश होता है अगर इनके हाथ में जादू है। तो डॉक्टर नागपाल द ओपीडी, थैंक यू सर। ये जो हम दिखा रहे हैं डॉक्टर विवेक सिंगला साहब हैं, ये यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बड़े इत्मीनान से पेशेंट देख रहे हैं। अगर इत्मीनान करेंगे तभी नेचुरली पेशेंट अच्छे होके जाते हैं, क्योंकि कार्डियोलॉजी में इत्मीनान और संयम होना बहुत ज़रूरी है। उनका फेस बता रहा है भी हाउ कंपोज्ड ही इज, थैंक यू सर। अब हम आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर अरुण, द फेमस अरुण बांसल। वाई इज़ फेमस, बाहर भीड़ बता रही है अभी क्यों फेमस है ये। इनके बारे में एक बात मैं कह सकता हूँ, जब से ये यहाँ आए हैं तो लोगों ने पीजे ही जाना काम शुरू कर दिया है, लोगों की हरासमेंट कम हो गई है, दैट शोज बी हाउ कॉम्पिटेंट ही इज, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हियर इज द फेमस डॉक्टर, लेडी डॉक्टर ऑफ दिस अमर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर अनुप्रभा,
Dr. Anu Prabha Jindal, the famous urologist of the region, and my younger brother. Talk of the town, Dr. Arvind Mittal. Cath lab of famous Amar Multi-Specialty Hospital. Dr. Jeevan and Dr. Vivek both work here. It's a good one. Very well maintained, neat, clean, good. Very well maintained. This is a staff who's working in the lab. Name, please. Your name, sir? Thoda uchi yaar. Vishal. And what about you, young man? Good, thank you. Thank you. Thank you so much. हमारे साथ डॉक्टर आदिश गोयल साहब आए हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं अपनी तरफ से और अपने चैनल की तरफ से। ये यहाँ अमर मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के हेड ऑफ द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट हैं। हमारे इनसे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और इनको काम करते देखकर काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि नौजवान लड़के कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ही कैन बी एग्जाम्पल फॉर अदर्स। तो डॉक्टर साहब भी हमने आपका सारा सेटअप देखा, क्योंकि इतनी करीब इतनी नज़दीक से इतने करीब से हमने नहीं देखा था। तो आज हम क्योंकि डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे तो हमने बहुत करीब से देखा, अच्छा लगा, बहुत कुछ अच्छा लगा। तो हमने बताया अपने आवाम को, जनता को, कि यहाँ क्या कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं। आपके डॉक्टर साहबान से भी बात की, तो आप हमें ये बताइए कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है। यू वॉन्ट टू एक्सपेंड दिस और यू पीपल आर सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट सेटअप? जी, पहले तो मैं सारे नूं नमस्कार कहने ते वेरी वेरी थैंक यू टू सर। थैंक यू सर, इधर आए, सर ने इधर बड़ी अपना किता भी डॉक्यूमेंट्री बनानी है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू सर। अमर हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जी। दिस इज 150 बेडेड हॉस्पिटल इन द रीजन। इतने असी हर तरह सुविधावां उपलब्ध हैं। इधर कार्डिक सर्जरी तो लैके किडनी ट्रांसप्लांट तो लैके लोअर बीमारियों तक सारा कुछ उरे कवर्ड है। बिल्कुल, जिन्ना भी असी हेल्प कर सकते हैं उस अकॉर्डिंग असी हेल्प करते हैं। 24/7 एमरजेंसी भी उरे होंदी है। कोई ट्रॉमा का केस है, एक्सीडेंट का केस है, पॉइजनिंग का केस है, सारिया इधर ब्लॉक बाइट है, स्नेक बाइट हो गया जी, तो हर तरह के केसिस उरे आते हैं तो सेवावां असी प्रदान करते हैं। जिस तरह हुण तुसीं दस्सिया भी कार्डिक सर्जरी, हाँ जी, सो आई थिंक बहुत ज़्यादा लोगों को शायद नहीं पता, मेरे ख्याल है उससे मैनू मेरी कमी होवे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को शायद नहीं पता कि भी उन्हें इतनी अच्छी कार्डिक सर्जरी हो रही है या किडनी ट्रांसप्लांट की प्रोविजन है। सो ये तुसी कितने देर तो तुसी कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी सर, कार्डिक सर्जरी जी है असी तकरीबन मोर दैन 4 ईयर्स हो गए ने जी, साडा डिपार्टमेंट चल रहे हैं जी सर। वी हैव डन मोर दैन 100 कार्डिक सर्जरीज, वी हैव डन मोर दैन 200 थोरैसिक सर्जरीज। द प्रॉपर डिपार्टमेंट कार्डिक सर्जरी का, प्रॉपर डिपार्टमेंट, हाँ, देर इज अ डिपार्टमेंट ऑफ कार्डिक साइंसिस
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡਿਕ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਟੰਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਆਫ ਦੀ ਕਾਰਡਿਕ ਸਰਜਰੀ? ਸਰ ਕਾਰਡਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਐਂ ਵੀ ਉਰੇ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਉਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 40 ਜਾਓ ਜੀ, ਮੈਕਸ ਜਾਓ। ਸਰ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਾਰਡਿਕ ਸਰਜਨ ਹੇਅਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਇਆ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਰਡਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੈਨ ਡੀਲ ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਐਂਡ ਬੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਲੇ, ਓਂਕੋ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਸਰ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟ ਫੰਕਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਵੀ ਹੈਵ ਏ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਓਂਕੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਸਰਜੀਕਲ ਓਂਕੋਲੋਜੀ। ਵੀ ਹੈਵ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੈਡੀਕਲ ਓਂਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ, ਸਰਜੀਕਲ ਓਂਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਐਂ ਵੀ ਵੀ ਹੈਵ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਰਜੀਕਲ ਓਂਕੋਲੋਜਿਸਟ। ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈਵ ਏ ਟੀਮ ਆਫ ਜਨਰਲ ਸਰਜਨਸ ਆਲਸੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਓਂਕੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਲ ਕੇਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਸਿੰਗ। ਡੀ ਪੀ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਕੰਪੀਟੈਂਟ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਲਡ ਗਾਰਡ, ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਲਡ ਗਾਰਡ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ। ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਓਂਕੋਲੋਜੀ ਪਾਰਟ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇਨ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ। ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸਾਡੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਕਾਰਡਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਹਾਰਟ ਸਟੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ। ਵਾਈ ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ, ਵਾਈ ਨੋਟ ਫੋਰ ਐਵਰੀ ਵਨ? ਸਰ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ। ਪਲੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਤੀ ਜਾਵੇ? ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਪਲਾਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਿੱਕੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੂ ਕੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਈਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਰੇ ਕੋਮਨ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਬ ਹੈ, ਐਮ ਆਰ ਆਈ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਯੂ ਹੈਵ, ਵੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਐਂਡ ਆਈ ਮੇ ਬੀ ਰੋਂਗ, ਬਟ ਯੂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਟੈਲ ਮੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਓ ਪੀ ਡੀ 'ਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਕਰਾਓ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓ ਪੀ ਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਕੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਸੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਉਰੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਅੱਗੇ ਚੋਇਸ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ। ਬਟ ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੇਟਸ ਘੱਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੇਕ ਇਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਕਰਾਓ। ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਫੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਮੋਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀ ਗੁੜੇ ਆਉਂਦੇ। ਸਰ ਮੋਸਟਲੀ 80-90% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟ ਉਹ ਹੰਗਰੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੈਕਿੰਗ ਐਂਡ ਯੂ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਵਰਕ ਔਨ ਦਿਸ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਾ, ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਆਲਸੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਐਮ ਆਰ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਗਪਾਲ ਹੈ, ਸੰਭੜੀ ਸੀਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਫੋ ਗੋ ਗੋ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਟਰੋਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਰੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਥਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਮੇਨਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਉਰੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਛੋੜ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮੀਨ ਹੈ, ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤਾਮੀਰ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਸਾਲ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਓਕੇ ਸਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਰੀਜਨ, ਹੈ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਜੀਵਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਾਈਆ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਰ। ਆਫਟਰ ਡੈਟ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਲਾਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਾਈਆ, ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਨਾਲ ਮਦਰ ਨੇ, ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਆ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਪਾਰਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਰੋਮ 1997 ਟੂ 2023 ਮੀਨਸ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਰਾਊਂਡ 26 ਈਅਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅਗੇਨ ਆਈ ਸੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ
कि असी पंजाब के लोगों मालवा के लोगों दसना है कि अमर स्पैशलिटी मल्टी स्पैशलिटी सुपर स्पैशलिटी हॉस्पिटल की है लोगों वास्ते की कुछ कर रहा है। मेरे ख्याल हूँ जो असी थोन दिखा रहे हैं उस तो बाद शायद ही कोई दस सके, लेकिन असी फिर ये बड़ा क्लीयर कर देना चाहते हैं कि असी किसी प्रमोट नहीं कर रहे, असी फैक्ट्स एंड फिगर थोड़े सामने रखे हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, थोनू अगर साढ़े कहे तो विश्वास है तो तुम उससे यकीन कर सकते हो, वी स्टैंड फॉर दैट। काइंडली एक बार देखो आके दे सारा सैटअप बहुत अच्छा है, कितने और शायद जाने की लड़ ना पवे, आके इनू ये फैसिलिटीज़ नू अवेल किया जाए तो ही अपने लोगों की टाइम बचेगा पैसा बचेगा इधर उधर हरासमेंट बचेगी। सो दीज थिंग्स कैन बी अवॉइडेड इफ यू हैव ए बिट मोर सेफ इन दिस इंस्टीट्यूशन। थैंक यू सो मच, वेरी थैंक यू।